और कितना डेंजर लग रहा भाई इस जगह पे। यार भाई लोग जो यहाँ का सीन है ना, अभी हम बैठे हैं नदी किनारे और नदी किनारे का सीन जो सामने का पहाड़ दिख रहा है आपको, उसकी शेप देखो कैसे ऐसे कटी हुई है, जैसे किसी ने ग्राफिक्स लगाया हो सामने। अलग ही टाइप के रेसे हैं इसमें, अलग ही टाइप के। वाह वो चोटी देखो बर्फ की, वाह यार क्या शानदार है भाई। और ये है भैया वाघा रिवर जो बगल से बह रही है। भाई नज़ारे अच्छे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि भाई सबसे बड़ा दुख हो रहा है यार, ले नहीं जा पा रहे हम लोग। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को, जिस चीज़ के लिए आए थे ना हम इतनी दूर मेहनत करके, वो चीज़ नहीं कर पा रहे यार। नज़ारे तो एक नंबर है भाई इधर के, जो मनाली से लेह का रास्ता है ना वो ही सबसे एडवेंचरियस है। पत्थर गिर रहे हैं भाई, अभी जो हवा आई है ना उसमें पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे। नज़र रखते हुए चलेंगे भाई।
ये पहाड़ दुबई, ये पहाड़ तो लाजवाब है भाई, नज़ारे लाजवाब है यहाँ पे। किलों तो यार पेट्रोल ले लेते हैं, ये लास्ट पेट्रोल पंप है मनाली से ले आए पे, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वैसे हम ले जाने का पता नहीं है, बट क्या पता किस्मत काम कर जाए और ले खुल जाए बाइक कर्ज के लिए, तो भाई जा भी सकते हैं। ये वाला ब्रिज अभी बना है भाई, पिछली बार नहीं था ये वाला, पहले आगे से घूम के आ रही थी सड़क। तो भाई अभी एक ले से हिमालयन 450 का एक ग्रुप आया था, करीबन 8-9 बंदे थे उसमें, तो वो 12 लाचला होते हुए आए थे। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि उनको आने दिया गया था। तो भाई अब देखते हैं आगे जाके क्या सीन बनता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। अगर अलाउ है तो भाई हम भी फिर ले ही जाएंगे, स्पीति नहीं जाने वाले फिर, और अगर अलाउ नहीं है तो फिर वापस आएंगे और क्या। बाकी आप ये नज़ारे एंजॉय करो यार, एक से बढ़कर एक नज़ारे हैं चारों तरफ, मस्त सीन है भाई चारों तरफ। सीनेरिया देखो एकदम तो वॉलपेपर की तरह लग रही है पूरी, और वॉलपेपर तो इन्हीं के बनते हैं भाई। चल ले यहाँ से 354 किलोमीटर है, वाह यार नज़ारे यार क्या ही कहना है नज़ारों का भाई, क्या ही कहना सही में। बट बाकी यार ये रोड है ना काफ़ी जगह से टूट गई यार, ले वाली जो मनाली से ले रोड है, जो अभी पिछले बार बारिश हुई ना उसमें बहुत सी जगह टूट गई यार, कहीं कहीं तो आधी से ज़्यादा सड़क टूट गई, तो उस जगह फिर वन वे बन रखा है। देखो भाई ये देखो भाई आप सीन, दो पहाड़ों के बीच में रास्ता, और कितना डेंजर लग रहा है भाई इस जगह पे, पूरी एकदम खड़ी चट्टान है, पूरी की पूरी एकदम खड़ी चट्टान है भाई। बाइक भी भाई पिकअप ही नहीं लेती, क्या सीन है। जिसपा 16 किलोमीटर भाई यहाँ से, हाँ यार भगवान आशीर्वाद बनाओ, कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि भाई हम ले पहुँच जाए, हमारा ले मिस ना हो, नहीं तो यार बहुत दुख होगा भाई मेरे को। मैंने बहुत तैयारी की थी लद्दाख के लिए यार, और पूरी तैयारी पे पानी फिर जाएगा। यार जिसपा यहाँ से है 10 किलोमीटर, और जो अभी ठंडी हवा लग रही है ना भाई,
क्या ही बताएं यार, बहुत ही चिल्ड हवा चल रही है। ये देखो भाई, जगह जगह छोटे छोटे झरने बन रखे हैं। वो दूर से हो सकता है छोटे दिख रहे हो, और पास में जाने में आपको उनमें अच्छा खासा पानी भी मिल जाए। और वो ग्लेशियर देखो भाई, देखो ये ग्लेशियर देखो, कितना बड़ा ग्लेशियर है यार। खैर जिसपा तो पहुंच चुके हैं, बस कोई अच्छी सी लोकेशन देख रहे हैं जो नदी पास में पड़ती हो, जहाँ पे वॉक करके नदी के पास जा सके, ऐसी कुछ जगह देख रहे हैं हम। तो ऐसी जगह फिर कैंप लगाएंगे और क्या। तो यही कुछ जगह ठीक लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारा वो रूम है सामने वाला। तीन हजार का, बट उसको लगा भी कितने लेंगे, पिछली बार एक ही बार यूज हुआ है वो, इस बार एक दो बार और कर लेंगे तो पैसा वसूल है। यार अभी हम लोग हैं जिसपा में, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रूम ले लिया है, और पीछे जैसे आप देख रहे हो ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपना टेंट सेटअप कर लिया है। रूम में अनिल और दीपक रुकेंगे, और मैं और हम अपने टेंट में सोएंगे। बाकी यार मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, चिल सा मौसम है यहाँ पे। कंपैरिजन 2022 उस टाइम जो ठंड थी ना, वो अभी नहीं है यहाँ पे, अभी इस टाइम कम ठंड है। तो बाकी आपको जैसे नज़ारे दिखाऊँ मैं, तो नज़ारे ऐसे कुछ हैं यहाँ पे। ऐसे कुछ नज़ारे हैं यार। बाकी पास में रिवर बह रही है, बागा रिवर बह रही है। और अगर यहाँ की रेट्स की बात करूँ इस टाइम, तो यार हमारे को 1000 रुपये में 2 पर्सन का एक रूम पड़ा है। उसमें अगर आप डिनर और ब्रेकफास्ट करते हो तो उसका आपको अलग से देना पड़ेगा। खाने की बात करते हैं, यहाँ पे 180 रुपीज़ ले रहे हैं ये लोग। 180 रुपीज़ में आपको भरपेट खाना खिला देंगे। उसमें ये मिक्स वेज देते हैं, दाल देते हैं, राजमा देते हैं, चावल देते हैं, रोटी देते हैं, तो ऐसा कुछ है यार। बाकी जगह काफ़ी सुंदर है। यार भाई लोग, जो यहाँ का सीन है ना, अभी हम बैठे हैं नदी किनारे, और नदी किनारे का सीन यार भाई लोग, ये भैया लोग हैं लखनऊ से, लखनऊ यूपी से, यूपी लखनऊ से हैं ये लोग, और ये भी ले जा रहे हैं जी। तो इनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई है मंडी, यहाँ से काफ़ी दूर है। और इन लोगों ने भी अपने टेंट लगा लिए, आपको टेंट दिखा सकता हूँ इनके, इनकी ये टेंट है जिन्होंने लगा रखे हैं। और ये लोग खाना भी अपना खुद कुक कर रहे हैं यहाँ पे, खुद का खाना बना रहे हैं ये लोग। यहाँ पे उन्होंने आग जला रखी है, पता
मित्रों का लोग मतलब जुगाड़ करके बनाया हुआ है। तो यहीं पे खाना बना रहे हैं। हम लोग भी खाना बनाने के लिए सब कुछ लेके आए थे, लेकिन मन नहीं कर रहा है क्योंकि सस्ते में खाना मिल रहा है यहाँ पे, सस्ते में खाना मिल रहा है और ठंड भी है, तो इसलिए भाई हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। यही खा लेंगे बना बनाया, वो तो बैकअप के तौर पे ठीक है, कहीं नहीं जुगाड़ बनता है, कोई ढंग का खाना ना मिल तो बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे हाथ मिल गई हम लोगों को सेकने के लिए, और भाई लोग बना रहे हैं अंडा करी और साथ में चाउमीन, राइट। ये देखो भाई अभी नाइट का नज़ारा 7:30 के आसपास हो चुका है अभी, और ऐसा कुछ नज़ारा है, चोटियाँ अभी भी दिख रही है बर्फ की, काफ़ी लाजवाब है।